नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। रामलला के मंदिर निर्माण के निमित्त 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी थी, जिसकी प्रथम वर्षगांठ 5 अगस्त को पूरी हो रही है और इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। इस विशेष मौके पर राम जन्मभूमि परिसर में तमाम धार्मिक अनुष्ठान किए जाने हैं, जिसमें भगवान रामलला के सामने कलश स्थापना, भगवान को 56 व्यंजनों का भोग और प्रसाद वितरण है। एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 अगस्त को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और राम जन्मभूमि पूजन के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री अयोध्या में अन्न महोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें अति कमजोर वर्ग के गरीब राशन कार्ड होल्डर को विशेष झोले में मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा। तो कल सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे और इस विशेष मौके पर राम जन्मभूमि परिसर में तमाम धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाने हैं, जिसमें भगवान रामलला के सामने कलश स्थापना, भगवान को 56 व्यंजनों का भोग और प्रसाद वितरण किए जाना है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 अगस्त को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और राम जन्मभूमि पूजन के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री अयोध्या में अन्न महोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें कमजोर वर्ग के गरीब राशन कार्ड होल्डर को विशेष झोले में मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आर नॉट ने तीसरी लहर को लेकर चिंता बढ़ा दी है। आर नॉट को आर फैक्टर भी कहते हैं। इससे पता चलता है कि कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति आगे कितने व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर नॉट बढ़ रहा है, वहीं 7 में स्थिर बना हुआ है। एक से अधिक आर नॉट होने का सीधा मतलब यह है कि इन राज्यों में एक संक्रमित व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों तक संक्रमण फैला रहा है, जो तीसरी लहर का स्वरूप धारण कर सकता है। वहीं नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, गोवा, झारखंड, दिल्ली और बंगाल आर नॉट 1 पर स्थित है, यानी नए मरीजों की संख्या ना तो बढ़ रही है और ना ही कम हो रही है। केवल आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में आर नॉट में कमी देखी जा रही है। तो आर नॉट को आर फैक्टर के नाम से भी जाना जा रहा है। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आर नॉट ने तीसरी लहर को लेकर अब चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी है। आर नॉट को आर फैक्टर भी कहते हैं और इससे ये पता चलता है कि कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति आगे कितने व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर नॉट बढ़ रहा है, वहीं 7 राज्यों में ये स्थिर बना हुआ है। एक से अधिक आर नॉट होने का सीधा मतलब ये है कि ये इन राज्यों में एक संक्रमित व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों तक संक्रमण फैला रहा है, जो तीसरी लहर का स्वरूप धारण कर सकता है। वहीं नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, गोवा, झारखंड, दिल्ली और बंगाल में आर नॉट 1 पर स्थिर है, यानी कि यहां नए मरीजों की संख्या ना तो बढ़ रही है और ना ही कम हो रही है। केवल आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में आर नॉट में कमी देखी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मॉनिटरिंग में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। यूपी में 27.34 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बड़ी लड़ाई में उत्तरी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। 5 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। यूपी ने मंगलवार को कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में 27.34 लाख लोगों को वैक्सीन लगाकर यूपी ने मध्य प्रदेश के 16 लाख वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब उत्तर प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा 5 करोड़ के पार पहुंच चुका है। तो कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में यूपी नंबर 1 पर आ चुका है। आपको बता दें कि यूपी में 27.34 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बड़ी लड़ाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। 5 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। बता दें कि यूपी ने मंगलवार को कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे
टीकाकरण अभियान में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में 27.34 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाकर यूपी ने मध्य प्रदेश के 16 लाख वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं अब उत्तर प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा 5 करोड़ के पार पहुंच चुका है। टोक्यो ओलंपिक के 13वें दिन यानी कि आज महिला हॉकी टीम फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेगी। टीम पहले ही इतिहास रच चुकी है और अब उसका लक्ष्य टोक्यो ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना को हराकर अपनी उपलब्धियों को शिखर पर पहुंचाना होगा। लवलीना बोरगोनो टोक्यो ओलंपिक में पहले ही पदक सुरक्षित कर चुकी है, लेकिन बुधवार को वह तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन गुसेनाज सुरमेनेली के खिलाफ जीत दर्ज करके फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय मुक्केबाज बनने वाली है। आपको बता दें कि भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा अपने अभियान का आगाज करेंगे और इसके अलावा भारतीय पहलवान भी अपना दम दिखाएंगे। तो आपको बता दें कि लवलीना बोरगोहन टोक्यो ओलंपिक में पहले ही पदक सुरक्षित कर चुकी हैं, लेकिन बुधवार यानी कि आज की बात की जाए तो तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाज सुरमेनेली के खिलाफ जीत दर्ज करके फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज बनने की कोशिश करेंगी। वहीं भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा अपने अभियान का आगाज करेंगे और इसके अलावा भारतीय पहलवान भी अपना दम दिखाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में बीते एक हफ्ते से कोरोना से संक्रमित रोगियों की लगातार घट रही संख्या अचानक बढ़ गई। कोरोना वायरस से संक्रमित 65 नए रोगी मिले हैं, जबकि एक दिन पहले 25 मरीज ही सामने आए थे। एक ही दिन में मरीजों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ गई है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 10 जिलों में फिर नए रोगी सामने आए हैं। एक दिन पहले 58 जिलों में कोई रोगी नहीं मिला था, लेकिन अब यह संख्या बढ़ रही है। जिन जिलों में नए मरीज मिले हैं उनमें कुशीनगर, रायबरेली, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देवरिया, जौनपुर, शाहजहांपुर, कासगंज व कौशाम्बी शामिल है। आपको बता दें कि बीते एक सप्ताह में किसी भी जिले में दहाई में मरीज नहीं मिला था, लेकिन मंगलवार को लखनऊ में 11 रोगी सामने आए हैं। इस बीच कोरोना से 2 मरीजों की मौत भी हुई है, जबकि इससे पहले लगातार 3 दिन किसी भी मरीज की कोरोना से जान नहीं गई थी। तो आपको बता दें कि यूपी में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 10 जिलों में फिर से नए रोगी सामने आए हैं। वहीं एक दिन पहले 58 जिलों में कोई रोगी नहीं मिला था, लेकिन अब यह संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। आपको एक बार फिर से बता दें कि जिन जिलों में नए मरीज सामने आए हैं उनमें कुशीनगर, रायबरेली, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देवरिया, जौनपुर, शाहजहांपुर, कासगंज और कौशाम्बी शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि बीते एक हफ्ते में किसी भी जिले में दहाई में मरीज नहीं मिला था, लेकिन मंगलवार को लखनऊ में 11 रोगी मिले। इस बीच कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है, जबकि इससे पहले लगातार 3 दिन किसी भी मरीज की कोरोना से जान नहीं गई थी। वहीं बारिश की वजह से बुंदेलखंड के जालौन में भी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ने लगा है। जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करके लोगों को जागरूक कर रही है। नदियों में पानी बढ़ने से जिले में 7 बाढ़ सुरक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसके साथ ही 30 बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं। इन क्षेत्रों में ड्यूटी लगाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। बता दें कि यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर है। वहीं जालौन जिले से यमुना, चंबल और बेतवा नदी होकर गुजरती है। जिला प्रशासन ने बाढ़ के अलर्ट को देखते हुए 158 बाढ़ प्रभावित गांवों में 7 स्थानों पर बाढ़ सुरक्षा केंद्र बनाकर प्रभारियों की नियुक्ति की है। प्रत्येक बाढ़ सुरक्षा केंद्र पर लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो जालौन में लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि नदियों में पानी बढ़ने से जिले में 7 बाढ़ सुरक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं और इसके साथ ही 30 बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं। इन क्षेत्रों में ड्यूटी लगाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। बता दें कि यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। जालौन जिले से यमुना, चंबल और बेतवा नदी होकर गुजरती है। जिला प्रशासन ने बाढ़ के अलर्ट को देखते हुए 158 बाढ़ प्रभावित गांवों में 7 स्थानों पर बाढ़ सुरक्षा केंद्र बनाकर प्रभारियों की नियुक्ति की है।
प्रत्येक बाढ़ सुरक्षा केंद्र पर लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। वहीं आजमगढ़ के मेहनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत तरवा गांव के महोली ग्राम सभा में बुजुर्ग दंपति में आपसी विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी पति फरार है। पुलिस अन्य परिजनों को अपने साथ थाने ले जाकर पूछताछ करने लगी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पीएम किसान निधि योजना के आ रहे धन को लेकर विवाद हो गया था। वहीं सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी पुलिस ने शुरू कर दी है। देखिए, ये श्रीमती मूर्ति देवी हैं जिनकी सुबह मतलब जो है मृत्यु के संबंध में थाने पर सूचना प्राप्त हुई और ये अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि इन्हीं के पति से कोई झगड़ा हुआ है। झगड़े में के दौरान जो भी झगड़े में मारपीट वगैरह हुई उससे इनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में इनके भाई द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर 304 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है और कार्रवाई की। आजमगढ़ के मेहनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत तरवा गांव के महोली ग्राम सभा में बुजुर्ग दंपति में आपसी विवाद हो गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अन्य परिजनों से लगातार पूछताछ कर रही है। ये विवाद पीएम किसान निधि योजना के आ रहे धन को लेकर हो गया था। वहीं CBSE और UP बोर्ड के रिजल्ट आ गए हैं और इसी के साथ रिजल्ट को देखकर कुछ के चेहरे खेल उठे। तो वहीं राजधानी लखनऊ के मिलेनियम स्कूल की सीतापुर ब्रांच के बच्चों ने रिजल्ट को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्चों का ये कहना है कि रिजल्ट में बड़ी घपलेबाजी की गई है। परेशान बच्चों का ये कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। बच्चों का ये आरोप है कि चेयरमैन के बेटे को 97% प्लस मिले हैं जबकि उसके ऑनलाइन क्लास भी नहीं अटेंड की थी। वहीं जो बच्चे रेगुलर क्लासेस कर रहे थे उन्हें किस हिसाब से नंबर दिए गए हैं वो समझ में नहीं आया। और इस स्कूल के कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट अभी तक मिला ही नहीं है। बच्चों का ये कहना है कि कॉलेज की ओर से ये कहा गया है कि रिजल्ट जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन जल्दी ही रिजल्ट मिलने का समय क्या है इसके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं है। मैं दामलिन स्कूल में पढ़ती हूँ, सीतापुर रोड पे है वो। जी। मेरा अभी CBSE का 12th का रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा, क्या कारण है? ज्यादातर स्कूलों में रिजल्ट आ चुका है बट मेरे स्कूल का रिजल्ट या मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिया है रिजल्ट। जब हम लोगों ने उस दिन 2 बजे हम रिजल्ट खोलने गए तो फिर पता चला कि रिजल्ट हाफ एन आवर डिले हुआ है। फिर हम हाफ एन आवर देखे उसके बाद तो फिर 3 बजे पता चला कि रिजल्ट अभी भी नहीं आया है। हम 4 बजे तक बैठे रहे इसी तरह फ़ोन लेके, हम ऑनलाइन रहे, हम चेक करते रहे बट 5 बजे इन लोगों ने हमारे स्कूल से मैसेज आया कि आपका रिजल्ट अभी नहीं आया। वो 5 अगस्त को कभी भी मतलब 5 अगस्त तक कैसे भी डिक्लेयर कर सकता है किसी भी दिन। जी। और मेरे आधे रिलेटिव जो हैं उनके रिजल्ट आ चुके हैं तो वो सब मुझसे रिजल्ट पूछ रहे थे कैसा आया आपका, तो फिर मेरे पास तो एक ही ऑप्शन था कि मेरे स्कूल का रिजल्ट नहीं आया। मेरा नाम शुभ्रा सिंह है। आज का क्लास 10th का रिजल्ट आया है जो कि रिजल्ट बहुत पार्शियलिटी से बनाया गया है। जो बच्चा डिजर्व करता है उसको कुछ और परसेंटेज दी गए हैं और जो नहीं करता है उसको कुछ और। मतलब हमारे यहाँ चेयरमैन के बेटे को 97.7% आए हैं जो कि वो डिजर्व नहीं करता है मुझे लगता है। और उसने आज तक कभी ऑनलाइन क्लास या फिर कुछ नहीं, मैम से मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन क्लास के बेसिस से हम लोग रिजल्ट बनाए हैं आधा और इसको कुछ और बताया वही की। सबसे बड़ी बात की मतलब क्राइटेरिया क्या है रिजल्ट का ये तो बताएं कि मतलब आधा अगर अटेंडेंस ही किसी बच्चे की अगर क्लास में अटेंडेंस नहीं है तो फिर उसको मतलब क्लास ही अगर किसी ने नहीं अटेंड किया तो कैसा। एक्चुअली मेरी बेटी यहाँ पे 10th क्लास में पढ़ रही थी, अभी रिजल्ट आया था तो परसेंटेज से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज तो अच्छे हैं 94%। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे पार्शियलिटी की है क्योंकि शुरू से ही पिछले 3 साल में जब भी मैंने स्कूल चेंज करना चाहा क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, टीचर्स अप टू दी मार्क नहीं है, सॉरी टू से, एंड दे आर वेल डेडिकेटेड मगर जो एक होना चाहिए CBSE के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है। आधे से ज़्यादा टीचर्स 10th क्लास में आकर के छोड़ दिए हैं, कईयों ने 9th में ही छोड़ दिया था। और जब भी मैं अपनी बेटी को निकालने की बात करती थी प्रिंसिपल मैम वाइस प्रिंसिपल सब अपनी बातों में ऐसे गुमराह कर देते थे, मुझे भी लगता था चलो ठीक है मेरा बेटा भी यहाँ पढ़ रहा था मगर यहाँ के पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं होने की वजह से उसको मैंने 6th क्लास में ही निकाल के लखनऊ के दूसरे नामी स्कूल में डाल दिया था और बेटी को भी मैंने 11th में शिफ्ट कर लिया था। यही परसेंटेज उसके 94% आए हैं बट शी वॉज डिजर्विंग मच हायर। और जिस बच्चे ने यहाँ पर एक भी दिन क्लास नहीं अटेंड किया, मैं नाम नहीं लूंगी मगर वो चेयरमैन का बेटा है, उसको टॉप में मतलब 97.7% आए हैं। हमको पार्शियलिटी से प्रॉब्लम है।